सारा देश में आजादी की 75वें वर्ष को धूमधाम से मनाया जा रहा है। रायबरेली में गंगा जमुनी तहजीब को चरितार्थ करते हुए मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने ध्वजारोहण के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली। तस्वीरों में एक भवन पर फहरा ये तिरंगा तो आम घरों में लगे झंडे जैसा ही दिख रहा है, लेकिन हम बताते हैं इतिहास। ये है ये भवन ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम नाम के मुस्लिम युवाओं द्वारा बनाई गई एक संस्था के कार्यालय का है। ये युवा कोई आम नहीं कहे जा सकते, इन्होंने कई बार अपने द्वारा किए गए कार्यों द्वारा इसे साबित किया है। रायबरेली में हुए ट्रेन हादसा हो या कोरोना महामारी का दौर, इन युवाओं ने कभी रक्तदान कर तो कभी ऑक्सीजन की व्यवस्था करने जैसे कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज भी इन्होंने अपने कार्यालय पर तिरंगा फहराया है, फिर तिरंगा यात्रा निकाली, साथ ही जिला अस्पताल से लेकर वृद्धाश्रम में असहायों को फल मिठाई आदि बांटी। इन लोगों द्वारा किए जा रहे कार्यों ने मजहब की दीवारों को गिरा दिया, साथ ही यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखा। आम लोगों ने भी इनको देख के जरूर कहा, यह असली भारत है जहाँ हिंदू मुस्लिम भाई की तरह रहते हैं, जरूरत पर एक दूसरे के लिए खड़े भी होते हैं। साथ ही ये भी सच है कि मजहब नहीं सिखा था आपस में लड़ करना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान।